तो आज हम लेग वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, थोड़ा क्रॉसफिट वर्जन ऐड करेंगे लेग वर्कआउट के लिए। करना हमें ये कि हमने 12 स्क्वाट्स करने हैं और 12 वॉकिंग लंजेस करने हैं, और 20 मिनट्स के अंदर वी विल कंप्लीट एज मेनी सेट्स एज वी कैन। सो दिस इज वन सेट, 12 स्क्वाट्स एंड 12 वॉकिंग लंजेस इज इक्वल टू वन सेट। So you complete as many sets as you can within the 20-minute frame. इसमें मकसद इस वर्कआउट का इंटेंस करने का तभी पूरा होगा जब आप अपने आप को फुल पुश करेंगे। रेस्ट बिटवीन सेट्स एक सेकेंड का रखें, दो सेकेंड का रखें, पाँच सेकेंड का रखें या बिल्कुल ना रखें, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने फुल पुश करना है, 20 मिनट्स स्टॉप वॉच ऑन करना है और बस शुरू हो जाना है। बाय द एंड ऑफ द वर्कआउट 15 मिनट तक उसके वर्कआउट खत्म होने के बाद भी सांस नहीं आना चाहिए सही तरीके से, तब जाके इसका फायदा होगा। सो यू हैव टू रियली रियली पुश योरसेल्फ ओनली फॉर 20 मिनट्स एंड यू विल सी हाउ इंटेंस इट गेट्स। 1 2 3 गो। 20 मिनट्स ऑन द क्लॉक। मुश्किल होगा अपने आप को पेसअप करना है, एकदम से तेज ही जाना। जब आप सोचते हो ना 20 मिनट का वर्कआउट क्या मसला है, मसला है तो इसलिए अपने आप को पेसअप करना है। आराम आराम से तेज तेज से उससे निकल लें, एकदम से तेज से थोड़ा सा पेसअप करना। मैंने डिसाइड किया है कि रेप्स अपने सही रखने, फॉर्म सही रखना है, तो मैंने वेट थोड़ा सा भी ड्रॉप किया। यू कैन डू दैट एज़ वेल। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थकी बॉडी आपके लिए। मेरे से टोटल 10 हुए। मेरा कार्डियो सिस्टम में इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जिनका अच्छा वो ज़्यादा कर सकेंगे, जिनका बुरा उनके टिप ये है कि स्लोली आपने पेस अप करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैंने गलती ये की है, मैं शुरू में ज़्यादा वेट उठा लिया और बहुत तेज़ किया शुरू में। मुझे तो बीच में वर्कआउट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, चक्कर आए बीच में, 2-3 दफ़ा मैं गिरा, लेकिन कुछ ना कुछ करके 10 कर लिए। तो हमने कोशिश करके 10 कर लिए। दिस इज वेरी इंटेंस, दिस इज वेरी गुड। तो बेस्ट ऑफ लक।